किसी की इजाजत के बगैर आप उसकी बात को रिकॉर्ड नहीं करें। आपका फोकस है सैलाब, उसकी तबाहकारियां और मौज। बारिश और सैलाब की तबाहकारियों पे फिल्में होंगी और उसके अफेक्ट पे होंगी। स्कूल की बिल्डिंग की कलरफुल सजाए पर उस्ताद मत आ जाओ। अगर उस्ताद भी इस जगह का है तो स्कूल में क्यों नहीं जाता? हमारा ऑब्जेक्टिव उसको दिखाना कि स्कूल बंद पड़ा है ताकि उस टीचर स्कूल में जाए और हमारे बच्चे पढ़ सके। तो मुझे नहीं लगता कि इस सच्चाई के ऊपर लोग आपके साथ नहीं होंगे। अगर हम मोटे तरीके से करेंगे, आप उनको गालियां देना शुरू कर देंगे, आप उनको कहेंगे कि तुम इस तरह करते हो तो फिर तो पर अगर हम दिखाएंगे स्कूल के बच्चे नहीं जा रहे स्कूल क्योंकि स्कूल बंद पड़ा है और अब सवाल छोड़ दें, आप टीचर पर निशानदेही ना भी करें, वो बात होगी। इसमें जो मैं कह रहा हूँ सच का बोलना क्या होता है, हम बहुत वक्त अपनी दुश्मनियाँ भी निकालना चाहते हैं इस फोन से। हमने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए सच्चाई का साथ देना है। फोन भी आपका है जो भी आपको ट्रेनिंग कैंप पर मिलेगा और उसके अंदर सिम भी है और उसके बाद उसके अंदर आपको बैलेंस भी हुई हर महीने ही अपडेट करेंगे। इतने में जो माइक लगे ला मुझे को साउंड रिकॉर्ड चाहिए तो उन्हें जो परफेक्ट साउंड ही दो एडिटर सर कह वो साउंड खड़ी उन्हें जो तस्वीर उन्हें जो मता रखी चली। पर हिकड़ो बे शॉट ता लॉन्ग शॉट में हिकड़ो जरूर दिखाइंदो तदी जो बोर्ड ए करे छजो आर्टिकल को जो मुझे लगता है कि इस आर्टिकल के अंदर रहते हुए हम अपनी फिल्म बनाएंगे तो मैं उस आर्टिकल को जस्ट टिक कर दूं और फिर जब हम आपस में बैठे तो वो करेंगे इस आर्टिकल को मैंने इसलिए टिक किया कि इसके ये इसका ये है और हम जो अपने एरिया में जाकर करेंगे वो फला फला काम जो है वो इस आर्टिकल के अंदर है। कोई चीज झूठ नहीं होगा, सच का साथ देंगे, छुप के रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जाती दुश्मनी नहीं निकालेंगे, कोई फिल्म हमारी इंसानी हकूक के खिलाफ नहीं होगी। इसके अलावा हमें अगर इसको पॉजिटिव यूज़ करें तो जितने भी हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में जितने इश्यूज़ हैं और जितने जहां पे हमारी जो है वीडियो कैमरा नहीं पहुंच सकती, कोई मीडिया नहीं पहुंच सकती, तो कहीं पे अगर कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं और उसको मीडिया पे ऑन एयर करवा सकते हैं। और कैसे शॉट लेने हैं वो हमें सिखाया गया, बताया गया, और हमें कैसे बनानी है, फिल्म बनानी है वो हमें सिखाया गया। लाइट जे लाइ असां इंतज़ारु इहो आहे ॼण पेट भुगे लाइ सभु को मज़ूरी कंदो रोज़ी रब ॾींदो। नहीं मुझे पहले कभी नहीं आता था मोबाइल चलाना। तस्वीर कैसे खींचनी चाहिए, लाइटिंग का ख्याल कैसे रखना चाहिए, किस वजह से, वो हमने प्रॉपर तरीके से सीखा। और अब हमें मोबाइल का और उसके कैमरा का यूजेज का पता चला कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और इतना 3 दिनों में बहुत कुछ काफ़ी सीखा है जितना कि हम अगर खुद अपनी कोशिश करते तो शायद हम ज़िंदगी भर नहीं सीख पाते। हाँ ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बनी हुई खुद मैं अपने देखी मुझे अच्छा लगा, कुछ कमी भी अच्छी थी वह मैं सीखी कि ये ऐसे करूँगी तो ये सही होगा। मैं समझती हूँ मैं कर सकती हूँ, अब मैं सोचती हूँ और लोगों को सिखाऊँगी और मैं खुद भी अच्छी अच्छी फिल्में इसमें रिकॉर्ड करके सारी दुनिया को दिखाऊंगी। TRDP का केंचा यूनिट का इंचार्ज हूँ। एक हमने इसमें जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई है उसमें हमारे NGOs के कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट और DSP का नंबर है ताकि जो गांव में ऐसे कोई मसले होते हैं तो उन तक हमारी जल्दी रसाई हो जाए।